जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना है और एक मेरे साथी ने मेरे पास फ़ोन किया और सर मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मेरी ये समस्या है, मेरे फैमिली के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं उन सभी स्टूडेंट से, उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगा जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जिनकी उम्र निकल गई है, तो कोई भी आप ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से घर वालों को बहुत बड़ी विकट परिस्थिति में गुजरना पड़े। उनका पहले से ही बहुत ज़्यादा दुख है, आप उनको और दुखी ना कर दें। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं जोधपुर एयरो से बोल रहा हूँ। अच्छा, जोधपुर एयरो से बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ बोलिए। सर कह रहा था ये एज वाला सब ये अक्टूबर वाला ये रहता है। यस, वो तो मैंने पहले बताया था, माला राम। अब सर क्या करे, उम्र निकल गई ना। एक बता दिए कि सर उम्र निकल गई, अब क्या करे, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब तो भाई ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन भर्तियां आ रही हैं, उनका फॉर्म भरो और तो क्या। सर कोई ये तरीका है, हम 7 महीने पढ़े अभी तक, 21 साल बेशक 7 महीने पढ़े हैं लेकिन फॉर्म नहीं भर पाओ। सर मैं कोई अमीर, मैंने सर मेरे पिताजी ने उधार पैसे लेके मैंने तैयारी की थी और ऊपर जाके सरकार ने ये ऑप्शन दिया हमें। भाई वो उसका तो क्या करें, हम गवर्नमेंट ने किसी लायक छोड़ा ही नहीं। सर नहीं, सर नहीं, तो ये तो हमारे ये तो मैंने सर 2019 से सर मैंने कोई एथलेटिक में जाने का सपना था, वो भी तोड़ा था आर्मी के लिए। बिल्कुल भाई, अभी देखो आपको मौका मिला एक, है ना। क्या करे सर, एक मौका सर, सितंबर जो उदयपुर वाली भर्ती थी उसमें 10 दिन कम थी और इसमें सर 7 महीने पड़े तो भी अब रिजल्ट कर चुके हैं। सर ये कुछ तरीका है सर, हम कोई ऑप्शन नहीं सर हमारे पास है। भाई बिल्कुल, क्या कर सकते यार गवर्नमेंट के। सर या तो ऐसे करना, भर्ती कैंसिल कर देते वो मान लेता हम सर। धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो। वो तो मैंने उसमें भी बोला था, मैं वीडियो में बताया था, मैं यार बच्चों के साथ में बोलो, नाइंसाफी हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं सर, हम घर वालों को मुंह बताने के लिए, घर वालों को हमने बर्बाद कर दिया सर। भाई आपने मेहनत तो की लेकिन क्या करे, गरीब आदमी है तो चारों तरफ से। सर कोई हमारे, सर मेरे को कमाने वाला भी मैं हूँ सर, और खेती में भी काम करता था पिताजी के साथ सर, अब वो खेती के काम के लायक नहीं रहे सर। सही बात है भाई। अभी ऑफलाइन भर्तियां आ रही है कुछ ना, उनका फॉर्म अप्लाई करो भाई। सर वो तो आ रही लेकिन इतना मौका नहीं मिलेगा ना, जैसे इसमें आर्मी में तो मौका नहीं मिलेगा, वो भी बात है सर। अभी तो उम्र भी, अब तो ट्रेडमैन का भी ऑप्शन खत्म कर दिया उन्होंने, उसमें 22 साल तक की ट्रेडमैन देख लेते। हाँ सर वो भी देख लेकिन उसने भी 21 साल कर दी। सर मैंने 2019 से तैयारी शुरू की थी, मेरा एथलेटिक में सामने ने का सपना वो भी मैंने आर्मी के लिए छोड़ा था। बड़ी गंभीर समस्या भाई। पिताजी ने उधार से ला ला के मुझे यहाँ पर रूम रहने को दिया था और तैयारी करता था सर, ऊपर जाके अब ये क्या, एक भर्ती देखी और मैं एवरेज हो चुका हूँ सर। सही बात है भाई। और कोई सर ऑप्शन भी नहीं, अब घर वालों को मुंह लाइक बताने वाले, और लोग ताना अलग से मारे। लोग तो ताने मारेंगे, लोगों का काम है ताने मारना यार, क्या करें, परेशान करेंगे अब चारों तरफ से रिश्तेदार, बोले क्या हुआ तुम्हें, क्या किया, क्या नहीं किया। सर हर कोई मैसेज कर रहा है, अब आप सेलेक्ट हो गए सर, क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं भी नहीं हमारे पास। और हाँ भाई अभी तो कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, इसलिए नहीं छोड़ा। कौन सा तरीका हमारे साथ, हमारे साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, यार थोड़ा सा धैर्य रखो। ऑप्शन नहीं, हम आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हम घर वाले ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। धैर्य रखो, हिम्मत, समय बड़ा बलवान है, समय हर चीज, क्या बता तुम्हारी किस्मत में कुछ अलग लिखा हो। मेरे को कमाने, सर मेरे को कमाने वाला होता तो उसको भी बोल दे सर, और कोई हम कोई खर्चा भी नहीं है सर, अब हमने 4 साल से घर वालों को बर्बाद कर चुके, और क्या करे सर। बिल्कुल सही बात है बड़ी, मैं वो चीज पहले भी बोली थी, मैं गवर्नमेंट बार बार अन्याय हो रहा है सर, एक बार हमने पहले भी कहा था, पहले भी भर्ती एक बार कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, पिछली बार भी, तब भी बहुत सारे बच्चे खराब हो गए ऐसे ही, जो गरीब माँ बाप हैं वो कर रहे हैं गुजारा कर रहे हैं, कैसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
जोधपुर एयर की भर्ती थे, मैं रिजल्ट आने के बाद में ही तैयारी दोबारा शुरू कर ली थी, इसलिए सर मैं दोबारा सिलेक्ट हूँ, लेकिन अब तो एवरेज हो चुका हूँ सर। तो यहाँ इसमें तो एवरेज हो गए भाई, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जो एज काउंटिंग करती है वो अक्टूबर से काउंटिंग करती है ना। इसमें तो कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। फिर अभी एक आर्मी की ऑफलाइन भर्ती आई हुई है और SSGD वाले, ये ऑप्शन है भैया, इनमें आप फॉर्म अप्लाई कर देना और साथ साथ में थोड़ा काम भी करते रहो ताकि घर का गुजारा भी चलता रहे, नहीं तो वो कैसे चलेगा, घर वाले काम के साथ सर पढ़ाई होगी नहीं, बात वो रहेगी। हाँ ये बात भी है भाई, तो घर वाले यार ऐसा है कि बड़ी घर वाले कब तक सहन करेंगे, क्या करेंगे, कितना कोई कमाने वाला और होता तो सर उनको भी कहते, लेकिन पिताजी थे वो भी अब कुछ ऐसी बीमारी लागू होने से वो काम खेत में भी नहीं कर पा रहे सर, घर के अलावा बाहर भी नहीं निकल सकते, अब कर क्या सकते। सही बात है भाई, उनका भी चुप चुप सुबह से पान आ रहा है, कोई पता हौसला नहीं, रखो जिंदगी में, बड़ी जिंदगी में आप ये मान लो कि ऐसी परिस्थितियां आएगी और आज इनसे डट के मुकाबला करेंगे तभी हम कल कुछ कर पाएंगे। नौकरी वैसे भी देखो 4 साल की नौकरी है और हिम्मत रखो, क्या पता आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना हो कोई, है ना, ऐसे आप ये समझ लो कि भाई मेरी किस्मत में नहीं थी, मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हुआ है, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, उस हिसाब से काम करिए। इसकी वजह से नहीं गया सर, मेरा 10 किलोमीटर का भी बहुत अच्छा टाइमिंग आया था, एक बार 33 मिनट 45 सेकंड आया था सर। हाँ बड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत हिम्मत की कीमत है और कुछ नहीं है, और गलत कदम नहीं उठाना है किसी प्रकार का, है ना। तो सर करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं, घर वालों को भी बताने के लाए नहीं, लोग सर ताना मारे हर कोई मैसेज कर रहा है, क्या करे अब तो। लोग तो क्या यार, लोगों का काम है कहना, लोग ऐसे ताने मारते रहे, लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, लोगों की सुनोगे तो अपने आप को और परेशान कर लोगे, लोगों को नहीं सुनना है, अपने को डिसीजन लेना है, अपने को क्या करना है उसी हिसाब से चलना है, अपने घर के अनुसार हमें चलना है। ठीक है बड़ी, ओके सर।